फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें तथा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट के बारे में। चलिए फर्स्ट सेट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, दैट सेट इज एम्प्टी सेट। अब ये सेट ऐसा सेट होता है, सेट हैविंग नो एलिमेंट्स, एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ही ना हो, इट मींस इसको हम लोग कह सकते हैं एम्प्टी सेट या फिर वॉइड सेट। जैसे हम बात करें कि ये एक ऐसा सेट है जिसमें सब सुना सुना लगे और कोई दिखे ना अपना, ओके, मतलब इसमें कोई होगा ही नहीं। चलिए इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है कुछ इस तरीके से, फाई से, ओके, या फिर सिंपल सा ऐसे करली ब्रैकेट बना देते हैं, सिंपल सा ऐसे करली ब्रैकेट, इसके अंदर कुछ भी लिखा नहीं होता है, ओके। फिर थर्ड पॉइंट है आपका, फाई इज यूनिक। यूनिक क्यों है? क्योंकि कहते हैं एम्प्टी सेट में कोई होता ही नहीं है, जबकि कहते हैं सेट इज अ कलेक्शन, तो ये एक ऐसा कलेक्शन जिसमें कोई है ही नहीं, ये सुना सुना सेट है। इट मीन्स ये एक यूनिक यूनिक सेट है क्योंकि इसमें कोई कलेक्शन है ही नहीं। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फाई इज नेवर रिटन विद इन ब्रेसेस। फाई को ब्रेसेस के अंदर नहीं लिख सकते। यदि आपने फाई को ब्रेसेस के अंदर लिख दिया, इट मीन्स ये आपका एम्प्टी सेट नहीं रहेगा। इसका मतलब होगा ये एक एज अ सिंगल एलिमेंट, ये फाई एज अ सिंगल एलिमेंट ट्रीट करने लगेगा, ओके, तो ये सिंगलटन सेट हो जाएगा। अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये याद रखना है कि फाई को यदि आपने फाई के ऊपर ब्रैकेट लगा दिया तो वो एम्प्टी सेट नहीं बचेगा। जैसे यहाँ पर लिखा भी है, नेक्स्ट पॉइंट, फाई के ऊपर करली ब्रैकेट लगा इज नॉट द नल सेट, ये नल सेट नहीं है। चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जीरो के ऊपर करली ब्रैकेट लगा दिया, इट मींस यार जीरो के ऊपर करली ब्रैकेट लगाना, तो करली ब्रैकेट के अंदर एक एलिमेंट तो है ना, कौन है? जीरो है। अब जीरो एज अ एलिमेंट है ना, सिंगल एलिमेंट है, इट मींस इस सेट में एक एलिमेंट प्रेजेंट है, तो हम बोलेंगे नॉट अ एम्प्टी सेट, ये भी एम्प्टी सेट नहीं। क्यों? क्योंकि सेट एज इट कंटेन्स द एलिमेंट जीरो, क्योंकि इस सेट में कौन है? जीरो है। अब कह रहे सेट x बिलोंग्स टू a, अरे एम्प्टी सेट में कोई होता ही नहीं है तो x क्यों बिलोंग करेगा a में? तो ये तो एक तरीके से ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू फॉर एनी x इफ a इज नल सेट। यदि a नल सेट है तो भाई x तो बिलोंग करेगा ही नहीं, क्योंकि x होता ही नहीं है। चलिए अभी हम लोग डिस्कस करते हैं, इनमें से पता करना है कि कौन सा कलेक्शन मींस कौन सा सेट नल सेट है, ओके। जैसे सबसे पहले इसको, इस वाले कलेक्शन को देखते हैं। अब इसमें बोला गया है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर किसके बीच में? x ग्रेटर देन 4 लेस देन 5। क्या 4 से 5 के बीच में कोई नेचुरल नंबर होता है? जैसे हम नंबर लाइन बनाएं, तो ये नंबर लाइन बनाई, ये 4 लिखा और ये 5 लिखा, क्या इनके बीच में कोई नेचुरल नंबर होगा? नहीं, नहीं, इनके बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं है। इट मींस ये सेट, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? फाइव, क्योंकि ये नल सेट है, 4 से 5 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं होता है, ओके। चलिए हम लोग सेकेंड सेट के बारे में देखते हैं। बोला गया एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट है, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स रियल नंबर है, और करें ये इक्वेशन लिख रखी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, मतलब इस इक्वेशन से जो भी ये इक्वेशन लिख रखी ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, इस इक्वेशन से जो भी x आए वो रियल आए, ऐसा ये देखो ये बोला गया कि रियल आना चाहिए, ओके। तो अब भाई इसको कैलकुलेट करके देखते हैं, इसके रूट्स निकाल के देखते हैं, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस 1 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस 1। क्या किसी इसका स्क्वायर निगेटिव हो सकता है? नहीं, ये तो निगेटिव लिखा किसी का स्क्वायर, इट मीन्स ये रॉन्ग है। तो यहाँ से रूट कैसा आने वाला है? यहाँ से रूट इमेजिनरी आने वाला है। तो यार इमेजिनरी रूट आएगा तो कोई रियल तो आएगा नहीं, तो इस सेट की बात कर रहे थे हम लोग, तो इसमें भाई x कोई रियल नहीं आया, जबकि यहाँ पर x बोला गया रियल होना चाहिए, तो यहाँ कोई एलिमेंट है ही नहीं, क्योंकि यहाँ x एज अ इमेजिनरी है, और इसने बोला भाई जो भी आए वो रियल आए, तो रियल तो आया नहीं, हमारा आया क्या? इमेजिनरी। इसका मतलब ये भी नल सेट है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? फाई से, ओके। चलिए थर्ड सेट की बात करते हैं हम लोग, थर्ड सेट की। अभी देखिए एक्स एलिमेंट है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 दे रखा है, और बोला गया एक्स इवन नंबर होना चाहिए, तो यार इस इक्वेशन को देखें, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, ओके।
तो यार x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 5। क्या इसमें से कोई इवन नंबर है? नहीं, कोई भी इवन नंबर नहीं है, जबकि इसने बोला कि x क्या आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए। इट मीन्स ये तो रॉन्ग हो गया। तो इट मीन्स इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है जो इवन नंबर हो, तो ये तो नल सेट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए इस फोर्थ सेट की बात करते हैं। इसमें x एलिमेंट है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, और ये इक्वेशन लिखी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो x जो भी आएगा ये कह रहा है कि रियल नंबर आना चाहिए। चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं। x स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, इट मीन्स x स्क्वायर इक्वल टू वन। तो जो x की वैल्यू आएगी दैट इज प्लस माइनस वन। अब देखिए ये प्लस वन भी रियल नंबर है, ओके, और माइनस वन भी रियल नंबर, मीन्स बोथ आर रियल नंबर्स। तो इस भाई इस ए सेट में तो एक्स पूछा गया रियल नंबर होना चाहिए, हाँ रियल नंबर। इसमें तो टू एलिमेंट्स हो गए, इट मीन्स ये नल सेट नहीं है। चलिए सेकेंड सेट के बारे में डिस्कस करते हैं। सेकेंड सेट इज सिंगलटन सेट, ओके। अभी सिंगलटन सेट को यूनिट सेट भी बोलते हैं। आप कहते हैं ये एक ऐसा सेट होता है जिसमें एक एलिमेंट होता है, वो भी कैसा? कहते हैं सेट हैविंग वन एंड ओनली वन एलिमेंट, केवल केवल एक और एक ही एलिमेंट होगा, इससे ज्यादा एलिमेंट नहीं हो सकते, लेकिन एक एलिमेंट होना चाहिए सिंगलटन सेट के लिए, ओके। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पर x बोल रखा है कि कोई एलिमेंट है और ये इक्वेशन दे रखी x माइनस 3 इक्वल टू 4, तो क्या यहाँ से कोई x आएगा? तो देखे यार x माइनस 3 इक्वल टू 4 है, तो ऑब्वियस सा है यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 7 आ जाएगी। क्लियर? तो एक ही सिंगल x की वैल्यू आ रही, इट मीन्स ये एक सिंगलटन सेट है। चलिए सेकेंड इस पर बात करते हैं। इसमें देखो एक ही एलिमेंट लिखा है इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर, तो ये भी एक सिंगलटन सेट है। चलिए इस सेट की बात करते हैं हम लोग। इसमें बोला गया x एलिमेंट है, x वो भी नेचुरल नंबर होना चाहिए, और इस इक्वेशन को सॉल्व करके आना चाहिए। चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 है, तो हम लोग सिंप्लीफाई करें तो x इक्वल टू प्लस माइनस 3 आ जाएगा। अब तो इसमें बोला गया कि x नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो इसमें से 3 नेचुरल नंबर है जबकि माइनस 3 नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसमें से करेक्ट कौन सा हो गया? 3। तो 3 केवल 3 ही लेना है एज अ एलिमेंट, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है, तो ये एक सिंगलटन सेट है क्योंकि इसमें वन एंड ओनली वन एलिमेंट है। चलिए हम लोग थर्ड सेट की बात करते हैं, फाइनाइट सेट। अब देखिए ये क्या होता है, कहते हैं एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट किया जा सके। और जैसे कोई नल सेट है, जैसे हम ये एग्जांपल बात करते हैं b इक्वल टू 5, b एक नल सेट है, क्या इसके एलिमेंट काउंट किए जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन b सेट 0, इट मींस ये भी एक फाइनाइट सेट है क्योंकि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लिख पा रहे हैं, एक फाइनाइट नंबर है, वो भी क्या है? 0, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0। चलिए इसकी डेफिनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। अ सेट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट इफ इट इज आइदर वॉइड सेट, मतलब वो नल सेट है तब तो फाइनाइट है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हम बता सकते हैं ना 0 है, और इट्स एलिमेंट्स कैन बी काउंटेड, और या तो वो नल सेट हो या उनके एलिमेंट्स काउंट कर सके जाए, या इन उनके एलिमेंट्स लिखे जा सकते सारे, या उनके एलिमेंट्स को लेबल्ड किया जा सकता है, तो वो फाइनाइट सेट कहलाएगा। भाई सारे एलिमेंट लिख लिए हमने तब तो फाइनाइट सेट हो गया है ना। अब पता चला डैश 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 करते जा रहे हैं हम, कह रहे नहीं इसके आगे तो भैया तुम ही लिखो, जब तक जीवन गुजर ना जाए तब तक लिखते रहो, तब तो वो फिर इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। तो हम कहते हैं यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लोग काउंट कर पा रहे हैं तब तो ठीक है, तब तो फाइनाइट सेट है, नहीं तो इनफाइनाइट होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये क्या इसका देखिए, फाइनाइट सेट का जो कार्डिनल नंबर होता है वो फाइनाइट ही होता है। कार्डिनल नंबर का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, एक डिजिट आएगी कितने नंबर ऑफ एलिमेंट, यदि फाइनाइट है तो फाइनाइट सेट। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये ए सेट है, इसमें ए बी सी डी देर आर 4 एलिमेंट, तो इसका जो कार्डिनल नंबर होगा वो 4 होगा, एन ए कितना हो गया 4, तो इसका कार्डिनल नंबर फाइनाइट है, इट मीन्स ये एक फाइनाइट सेट हो गया। और नल सेट को भी याद रखना है, नल सेट भले सुना सुना दिखता है, उसके अंदर कोई है नहीं, है ना, यूनिक टाइप का सेट है, लेकिन ये कैसा है? फाइनाइट सेट है क्योंकि हम इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बता सकते हैं। चलिए हम लोग फोर्थ सेट की बात करते हैं, इनफाइनाइट सेट। कहते हैं ऐसा सेट जिनके एलिमेंट्स को हम काउंट ना कर पाए,
देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अ सेट हुज एलिमेंट्स कैन नॉट बी काउंटेबल। ओके, जैसे यहाँ पर लिखा भी है, ये एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर लिखा है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। अब काउंट करके देखो, नेचुरल नंबर पहले तो लिखते हैं 1, 2, 3, अपने जिंदा रहते आप सारे नेचुरल नंबर नहीं लिख सकते हो, तो काउंट क्या कर पाओगे? ओके भाई, ये तो डैश डैश नेचुरल नंबर कहाँ तक जाएगा, काउंटिंग ही लिख ही नहीं पाओगे तो काउंट क्या कर पाओगे? लिस्टिंग नहीं कर पा रहे हैं, लेबल्ड नहीं कर पा रहे तो काउंटिंग भी नहीं हो पा रही है। मतलब इसमें हम लोग इसका कार्डिनल नंबर नहीं बता सकते हैं, ये काउंटेबल नहीं है, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कार्डिनल नंबर इज अनडिफाइंड, कार्डिनल नंबर डिफाइंड नहीं होगा। कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे ये फर्स्ट एग्जाम्पल, हमें ये पता करना है कि ये फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट। जितने भी ये सेट लिखे हैं इनमें से पता करना है कि कौन से फाइनाइट है कौन से इनफाइनाइट। तो चलिए देखते हैं, सेट ऑफ यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। इंडिया में कितनी यूनिवर्सिटीज़ है आप काउंट कर सकते हो, एक डाटा रहता है, इन्फॉर्मेशन रहती है, इट मीन्स ये फाइनाइट, आप सारी यूनिवर्सिटीज़ को काउंट कर सकते हो। ओके, तो ये एक फाइनाइट सेट हो गया। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो भाई कौन कौन से इंटीजर्स होते हैं? भाई सारे इंटीजर्स की बात करें तो एक तो जीरो आ गया, प्लस माइनस वन आ गया, प्लस माइनस टू आ गया, फिर डैश डैश कर देना होता, आप लिख ही नहीं पाओगे सारे, लिख ही नहीं पाओगे सारे एलिमेंट्स, इट मीन्स आप इनकी काउंटिंग भी नहीं कर सकते हो, ये कौन सा सेट हो जाएगा? आपका इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। चलिए इस एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। जैसे मान लीजिए यही एक प्लेन है, आपके सामने ये बोर्ड है, इस पे हम लोग पॉइंट्स देखते हैं कितने पॉइंट्स हो सकते हैं। देखिए कितने, काउंट करिए, काउंट करिए, काउंट करिए, कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, कितने पॉइंट हो सकते हैं, कितने पॉइंट हो सकते हैं, कितने पॉइंट हो सकते हैं, इस प्लेन पर कितने पॉइंट हो सकते हैं? जब तक जिंदा रहे तब तक ऐसे पॉइंट्स बनाते रहे, और कभी भी आप पॉइंट बना नहीं पाओगे तो काउंट नहीं कर पाओगे, इट मीन्स ये कौन सा सेट हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। चलिए अब इस एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसमें बोला गया एक्स एलिमेंट है और वो भी एक्स रियल नंबर है, और किसके बीच में? वन से टू के बीच में। तो वन से टू के बीच में कितने रियल नंबर्स होंगे? जैसे हमें नंबर लाइन आती है, तो ये नंबर लाइन है, ये माइनस इन्फिनिटी है और ये प्लस इन्फिनिटी, देखें तो यहाँ पर वन है और यहाँ पर टू है। ओके, तो अभी वन से टू के बीच में कितने नंबर्स हैं? जैसे भाई वन को तो इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है और टू को भी इंक्लूड नहीं किया गया क्योंकि इन पे इक्वल नहीं लगा है, लेकिन इनके बीच के जो नंबर्स हैं उनको इंक्लूड किया गया। अब इसके बीच में कितने नंबर्स हैं काउंट करते हैं, 1.1, 1.11, 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
पाओगे, इट मींस ये कौन सा सेट हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। चलिए इस सेट की बात करते हैं, इसमें बोला गया है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ओके लेस देन 500, 500 से लेस नेचुरल नंबर्स। तो 500 से लेस नेचुरल नंबर, जनरली नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है, 2, 3, देखिए आप लिख पा रहे हैं, लास्ट वाला आप नेचुरल नंबर भी लिख पाएंगे 499, इट मींस ये 499 नंबर्स हैं, आप सबको लिख सकते हो, सबकी लिस्टिंग कर सकते हो, मैं लिख नहीं रहा हूँ बट आप लिख सकते हो, तो सब लिख सकते हो, तो सब काउंट भी कर सकते हो। इसका कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा, 499, क्योंकि इसमें 499 एलिमेंट्स होंगे, इट मींस ये एक फाइनाइट सेट हो जाएगा। चले इस सेट की बात करते हैं, सेट ऑफ ऑल कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है जिनका सेंटर सेम हो, और बोल रहे हैं कि विद सेंटर एज ओरिजिन। मान लीजिए ये सेंटर ओरिजिन है, तो एक तो ये सर्कल हो गया, एक ये सर्कल हो गया, ऐसे कितने सारे सर्कल बना सकते हो आप, बहुत सारे सर्कल्स बना सकते हो, ऐसे कितने सारे सर्कल्स बना सकते हो, ऐसे कितने सारे सर्कल्स बना सकते हो, जब तक जिंदा रहो तब तक सर्कल बनाते रहो, इट मींस ये इनफाइनाइट सर्कल्स आप ड्रॉ कर सकते हो। तो ये कह रहे जी ऐसे सर्कल जो कॉन्सेंट्रिक है, मान लेते ये ओरिजिन था ओके, तो ऐसे तो इनफाइनाइट सर्कल्स होंगे, तो ये एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। चलिए फिफ्थ सेट की बात करते हैं, इक्विवेलेंट सेट ओके। तो इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है कि कहते हैं कार्डिनल नंबर इक्वल हो, एलिमेंट्स कैसे उससे मतलब नहीं है। जैसे देखिए यहाँ डेफिनेशन लिखी, टू फाइनाइट सेट ए एंड बी। सबसे पहले तो वो सेट फाइनाइट होने चाहिए, तभी हम लोग कार्डिनल नंबर काउंट कर पाएंगे।
टू फाइनाइट सेट ए एंड बी आर इक्विवेलेंट, वो इक्विवेलेंट तभी होंगे इफ देयर कार्डिनल नंबर सेम, उनका कार्डिनल नंबर सेम हो जाए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ए सेट है इसमें थ्री एलिमेंट है ए बी सी, बी सेट है इसमें भी थ्री एलिमेंट है एक्स वाई जेड, इट मीन्स इनका कार्डिनल नंबर सेम है। ए में भी थ्री एलिमेंट्स हैं, बी में भी थ्री एलिमेंट्स हैं, कार्डिनल नंबर इक्वल है, तो ये इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। अब जैसे एक सेट हम और लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने एक ए सेट ले लिया, मैंने बोला उसमें वन टू है, ओके, और हमने एक बी सेट ले लिया, ओके, उसमें बोला हमने ए बी सी है, क्या ये इक्विवेलेंट है? तो ये इक्विवेलेंट सेट नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट कितने हैं? टू हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट कितने हैं? थ्री हैं। तो ये इन दोनों का कार्डिनल नंबर इक्वल नहीं है, इट मीन्स ये इक्विवेलेंट सेट नहीं है। चलिए नेक्स्ट सेट की बात करते हैं, इक्वल सेट्स। कहते हैं टू सेट्स इक्वल कब होंगे? सबसे पहले तो वो इक्विवेलेंट होने चाहिए, इक्विवेलेंट की कंडीशंस को फॉलो करना चाहिए। कहते हैं कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए। सेकंड, इसमें एक और कंडीशन होती है, कहते हैं कि एलिमेंट्स भी सेम हो दोनों सेट में, तभी वो इक्वल सेट कहलाएंगे। तो यहां पर देखो डेफिनेशन लिखी, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज अ मेंबर ऑफ बी, ए के सारे एलिमेंट बी के मेंबर हों, एंड एवरी मेंबर ऑफ बी इज अ मेंबर ऑफ ए, और बी के सारे एलिमेंट ए में हो, तो ए के सारे बी में और बी के सारे ए में, इसका मतलब तो एलिमेंट्स इक्वल हो गए और सेम भी हो गए। जैसे यहाँ एग्जाम्पल ले लें, ए में कौन है? वन टू थ्री। क्या ए के सारे एलिमेंट बी में हैं? हाँ बिल्कुल, वन टू थ्री सारे हैं। क्या बी के सारे एलिमेंट ए में हैं? हाँ बिल्कुल, वन टू थ्री बी के एलिमेंट और सारे के सारे ए में है, इट मीन्स ए इक्वल टू बी हो जाएगा। अब जैसे एक और सेट लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक हमने ए सेट ले लिया वन टू, एक हमने बी सेट ले लिया, बी सेट ले लिया ए कॉमा बी, अभी क्या ये इक्वल है? तो हम लोग देखें भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट कितने हैं? टू। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट कितने हैं? टू। तो ये सेट इक्विवेलेंट तो है, क्योंकि कार्डिनल नंबर सेम है, बट एलिमेंट्स तो डिफरेंट हैं, ए में वन टू है, बी में ए बी, तो एलिमेंट्स डिफर होने के कारण ये इक्वल सेट नहीं है, बट इक्विवेलेंट सेट है। तो हम यहां पर एक पॉइंट बोल सकते हैं कि जितने भी इक्वल सेट हैं उनको सबको हम लोग इक्विवेलेंट सेट भी बोल सकते हैं। चलिए ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनमें पता करना है कि कौन से इक्वल हैं और कौन से इक्विवेलेंट हैं। देखिए इक्वल सेट होंगे तो कुछ इस तरीके से हम लोग सिंबल यूज करेंगे, और इक्विवेलेंट होंगे तो कुछ इस तरीके से सिंबल यूज करेंगे। चलिए फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ए दे रखा है 1 to 5, बी दे रखा है 5 to 1। तो भाई ए में भी थ्री एलिमेंट हैं, बी में भी थ्री एलिमेंट हैं, ए में 1 to 5 है, बी में भी 1 to 5 है, इट मीन्स ये सेट कैसे होंगे? इक्वल सेट होंगे। चलिए हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, ए में कौन है? 1 to 3। चलिए बी में क्या दे रखा है? एक्स, सच दैट ये क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है, तो अभी इस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये आप इसके फैक्टर करके देखोगे ना, तो एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री आएगा, इट मीन्स एक्स की वैल्यू 1 to 3 आ जाएगी। तो बी सेट में भी 1 to 3 है, और देखिए ए सेट में भी 1 to 3 था, इट मीन्स ये बोथ सेट कैसे हो जाएंगे? इक्वल सेट हो जाएंगे। चलिए ये एग्जाम्पल लेते हैं, ए सेट में है ए ई आई ओ यू, बी सेट में है हमारा एक्स वाई जेड यू, जेड टी यू, ओके। तो देखिए एलिमेंट्स तो इक्वल है, दोनों में 5 5 एलिमेंट्स है, बट एलिमेंट्स सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है, ठीक है 5 5 है, बट एलिमेंट्स सेम नहीं है, इसलिए ये इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 5, ए 5 है और बी में भी 5 है। चलिए ये एग्जांपल लेते हैं, ए में कितने एलिमेंट हैं? 2। बी में कितने एलिमेंट? 2। लेकिन एलिमेंट सेम नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, इसलिए ये इक्विवेलेंट सेट होंगे। चलिए अभी हम लोग सबसेट की बात करते हैं। अब सबसेट का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा समझना है एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे मान लीजिए एक ये ए सेट है, ए सेट में 1 2, ये 2 एलिमेंट्स हैं। अब कहते हैं इससे बनने वाले छोटे छोटे और कितने सेट हो सकते हैं? तो सबसे पहला तो सबसेट किसी भी सेट का होगा वो नल सेट होगा। फिर देखिए क्या 1 एज अ सेट बनाया जा सकता है? ओके।
टू पर कर्ली ब्रैकेट लगा दीजिए, ये भी हो जाएगा, ओके। अच्छा, इटसेल्फ भी सबसेट कहलाता है। तो इस ए सेट के जनरली फोर सबसेट हैं, एक तो नल सेट, वन के ऊपर कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, टू के ऊपर लगा दिया, वन टू के ऊपर लगा दिया, तो देयर आर फोर सबसेट्स, ओके। अब ये जो सबसेट है इनके सारे एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट है। जैसे मान लीजिए हमने इस सेट की बात की, इस सेट की बात की, ओके, तो वन टू है, देखिए वन टू एलिमेंट है इस सेट में और ये ए के एलिमेंट्स में प्रेजेंट है। भाई इसके इसके सारे एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट हैं, इट मींस ये सबसेट कहलाएगा ए का। इसके सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट है, ये सबसेट कहलाएगा। इसके सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट है, सबसेट कहलाएगा। इसमें तो कोई है ही नहीं, फिर भी ये सबसेट कहलाएगा क्योंकि उसके कंपैरिजन में छोटा है। और इतनी बात समझ में आ गई। चलिए इसकी कुछ डेफिनेशन है वहां से भी समझ लेते हैं। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एलिमेंट ऑफ सेट बी, यदि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, बी के एलिमेंट हैं, देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। यदि ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट हैं तो ए को बी का सबसेट बोलेंगे, और जनरली यहां पर बी को क्या बोलेंगे, सुपरसेट बोलेंगे। चलिए यहां पर लिखने का तरीका देखें, ए सबसेट बी कुछ इस तरीके से, ए सबसेट बी, यहां पर इक्वल टू ऐसा भी लगता है, ओके, क्योंकि यहां पर देखा था हमने ये वाला सेट, ये इक्वल वाला भी सबसेट कहलाता है। अब पढ़ने का तरीका क्या होता है देख लीजिए, ए इज सबसेट ऑफ बी, या फिर पढ़ सकते हैं ए इज कंटेन्ड इन बी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी इज रिटन एज, यदि ए बी का सबसेट नहीं तो कैसे लिखते हैं, ए इज डज नॉट is not subset of B, okay? चले next point देखते हैं, every set is its subset of itself, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने अभी देखा भी था कि every set अपने आप का subset होगा, तो यहाँ पर ये ऐसा point लिख सकते हैं, A is subset or equal to A। next point देखें, कह रहे हैं कि A subset है B का, B subset है C का, तो 100% A भी subset होगा C का। एक और point है, null set is a subset of every set, तो ऐसे लिख सकते हैं phi is subset of A। यहाँ पर equal नहीं लगेगा क्योंकि phi null set उस A के equal नहीं है। हाँ, यदि A हमारा खुद में null set होता तो हम equal लगा देते। चले जैसे एक ये हमने A set लिया, हालांकि पीछे भी ये example ले चुके थे, A में 1, 2 हैं, तो इसके subset हमने लिखे थे phi 1, 2, 1, 2, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने हैं, 4, ओके। जैसे मान लीजिए हमने ये बी सेट लिया एक्स वाई जेड, इसमें 3 एलिमेंट है, तो पहला सबसे पहला सबसेट होगा फाई, देन एक्स वाला सेट वाई जेड, सिंगल सिंगल एलिमेंट का सेट, ये सबसेट है सारे के सारे। अभी 2, 2 एलिमेंट्स ले लें, ये भी सबसेट बी का है और इटसेल्फ भी सबसेट कहलाएगा। तो ये ओवरऑल काउंट करोगे तो ये 8 एलिमेंट आ जाएंगे, इसमें ओवरऑल काउंटिंग कर रहे थे तो 4 आ रहे थे, ओके। तो जब 2 एलिमेंट्स थे सेट में तो 4 आ रहे हैं, जब 3 एलिमेंट्स थे तो 8 आ रहे हैं। तो ये देखिए, ये जनरली लिखा है 2 की पावर 2, ओके, ये लिखा है 2 की पावर 3, तो पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट एक तरीके से जा रहा है। तो यहाँ पर हम ऐसे बोल सकते हैं कि किसी एक ए सेट में यदि आपके n एलिमेंट हैं तो नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट्स दैट इज इक्वल टू 2 की पावर n होगा। किसी भी सेट के नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं, 2 की पावर n होते हैं। यहां पर एक फॉर्मूला भी दिखाया गया है, देखिए लिखा भी है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ फाइनाइट सेट, सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स इक्वल टू 2 की पावर n। अभी एक फॉर्मूला भी लिखा है कि सबसे पहले सिंगल, एक भी एलिमेंट नहीं, ये नल सेट के बारे में, सिंगल सिंगल के कितने ले सकते हैं, 2, 2 के कितने ले सकते हैं, n, n के कितने ले सकते हैं, तो ये टोटल, ये बाइनोमियल के थ्रू इनका एडिशन करोगे तो 2 की पावर n आ जाएगा। जब आप बाइनोमियल पढ़ लोगे, या ये आपने बाइनोमियल पढ़ रखा है तो ये चीज़ अपने आप आ रही होगी, बाइनोमियल पढ़ लोगे तो ये अपने आप आ जाएगा, ओके। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ए में कौन से एलिमेंट है, 2, 3, 4, क्या ये बी में कौन है, 5, 4, 2, 3, 1, क्या ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, यस, ए का 2, 3, 4 बी में है, 2, 3, 4 है, ओके, तो ए सबसेट हो जाएगा बी का, बट बी नहीं होगा क्योंकि बी में एक 5 एलिमेंट है जो कि ए में प्रेजेंट नहीं है, तो बी ए का सबसेट नहीं है, ए बी का सबसेट है। चलिए अभी कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, इनमें से पता करना है कि कौन से ट्रू हैं।
अब ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें फॉर एनी टू सेट ए एंड बी बोला गया, ए इज सबसेट और इक्वल टू बी और बी इज सबसेट और इक्वल टू ए, क्या ये सही है? कोई भी दो सेट है तो इन्होंने बोला कि ए सबसेट होगा बी का और बी भी सबसेट होगा ए का, तो इसको देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक ए लिया सेट, ए सेट ले लिया 1 2 3, एक हमने बी सेट ले लिया, बी सेट ले लिया 1 2 3 4, क्या ए सबसेट है बी का? हाँ बिल्कुल 100% ए सबसेट है बी का। ओके, क्या बी सबसेट है ए का? नहीं, बी सबसेट नहीं है ए का। ओके, इट मींस ये जो फर्स्ट पॉइंट था ये तो रॉन्ग हो गया, फाल्स हो गया। लेकिन यदि हम लोग ए सेट ले लेते, मान लेते ए सेट हमने लिया 1 2 और बी सेट भी हमने 1 2 ले लिया, इट मींस बोथ आर इक्वल सेट। क्या ए सबसेट है बी का? हाँ है। और बी क्या सबसेट है ए का? हाँ बिल्कुल है, तो ये करेक्ट हो गया। लेकिन हमें तो ओवरऑल देखना था, इस एग्जाम्पल के लिए तो ये करेक्ट जा रहा है, लेकिन जो पिछला एग्जाम्पल था उसमें उसके लिए करेक्ट नहीं था। यदि सभी एग्जाम्पल्स के लिए ये करेक्ट होता तो हम ट्रू बोलते, नहीं तो अभी क्या बोलेंगे? फाल्स बोलेंगे। ये स्टेटमेंट कैसा है? फाल्स है, क्योंकि ये पिछले वाले एग्जाम्पल के लिए ट्रू नहीं था, ओवरऑल ट्रू होना चाहिए। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। बोला गया है एवरी सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट इज फाइनाइट। कह रहे हैं कि कोई एक फाइनाइट सेट ले लीजिए, फाइनाइट सेट का मतलब उसमें एलिमेंट्स तो पता ही होंगे। जैसे मान लीजिए हमने ये ले लिया ए कॉमा बी, अभी ये एलिमेंट ले लिया, सॉरी ये सेट ले लिया। अब बात करें इनके सबसेट्स की, तो भाई एक तो सबसेट नल सेट होगा, एक ये सबसेट होगा, एक ये सबसेट होगा और एक इटसेल्फ होगा, तो 100% ये तो ट्रू है क्योंकि इसमें फाइनाइट एलिमेंट है ए में, तो उनके सबसेट में भी तो फाइनाइट ही होंगे। भाई कोई सेट है उसमें फाइनाइट एलिमेंट है तो उसके जो सबसेट बनेंगे उसमें भी 100% फाइनाइट होंगे, तो ये तो ट्रू है। चलिए थर्ड एग्जांपल लेते हैं हम लोग। कह रहे एवरी सेट ऑफ इनफाइनाइट सेट, यहां पर एवरी सेट नहीं होना चाहिए, एवरी सबसेट होना चाहिए था। यहां पर सेट की जगह क्या होना चाहिए? सेट की जगह सबसेट होना चाहिए। कह रहे एवरी सबसेट ऑफ अ इनफाइनाइट सेट इज इनफाइनाइट, तो ये बात तो गलत है। जैसे हमने मान लीजिए ये एक इनफाइनाइट सेट लिया 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, तो इसका तो एक यही इटसेल्फ यही सबसेट है, तो क्या ये इनफाइनाइट है? नहीं, ये तो फाइनाइट, इसमें सिंगल एलिमेंट है, इट मींस ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, फाल्स है। ओके, ये फाल्स हो गया। चलिए फोर्थ एग्जांपल लेते हैं हम लोग। तो फोर्थ एग्जांपल में क्या करें, अ सेट हैव इनफाइनाइट मैनी सबसेट। यार ये बात तो रॉन्ग है, कोई भी एक फाइनाइट सेट लोगे तो उसके फाइनाइट ही सबसेट आएंगे, और यदि इनफाइनाइट ले लिया सेट तो उसके इनफाइनाइट आएंगे। तो हमें तो ओवरऑल देखना है, किसी फाइनाइट सेट के लिए तो भाई फाइनाइट ही सबसेट्स होंगे, तो ये भी आपका फाल्स है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। इस क्वेश्चन से पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये सिंबल कब लगता है। हालांकि पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस सिंबल के बारे में और इस सिंबल के बारे में। ओके, तो जैसे ये सिंबल लिखा हुआ है तो इसके इधर आपका एलिमेंट लिखा होगा, एलिमेंट लिखा होगा, और इधर आपका सेट लिखा होगा। लेकिन जैसे ये वाला सिंबल हुआ, ये वाला, तो इस वाले में क्या होगा, इधर भी सेट लिखा होगा और उधर भी सेट लिखा होगा। अब यार सेट कैसे पहचानोगे? जैसे मान लीजिए हमने एक ए सेट ले लिया, ए सेट में 1 है, इसके अंदर ऐसे करके ये 2 लिखा हुआ है, ठीक है। अब तो यहाँ फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो ये तो एलिमेंट है, लेकिन इसके ऊपर ब्रैकेट लग गया तो ये सेट हो जाएगा। अब जैसे इसके अंदर एक ये एलिमेंट है, ये एज अ एलिमेंट है, लेकिन इसके ऊपर भी ब्रैकेट लगा दीजिए तो ये सेट बन जाएगा। क्लियर है? तो अभी हमें पता करना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं और कौन से फाल्स हैं। चलिए फर्स्ट के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। इसमें लिखा है 1 बिलोंग्स टू 1 2 3,
तो यार ये तो सही है, वन एलिमेंट है इस सेट में तो ऑब्वियस सा बिलोंग करेगा भाई, ये लिख रखा कि हाँ ये तो एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है तो ये तो टू है भाई। चलिए सेकेंड पॉइंट देखते हैं हम लोग। अभी इसमें लिखा है ए सबसेट ऑफ बी सी ए, तो भाई बहुत ध्यान से देखो इसमें ना ए एलिमेंट है, ए एलिमेंट है तो एलिमेंट तो बिलोंग करता है ना किसी सेट में, है ना, इस सेट में बिलोंग करेगा, तो ये तो गलत बात लिख गई है ना, ये गलत बात लिख गई, तो ये आपका सेकेंड स्टेटमेंट तो आपका फाल्स हो गया, ये सेकेंड स्टेटमेंट फाल्स हो जाएगा। चलिए हम लोग थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। अब थर्ड वाले में क्या लिखा है कि एक सेट है ए बी सी, ओके, ए बी सी इसके थ्री एलिमेंट्स हैं और इस साइड लिखा है ए। अब देखो ए तो एलिमेंट है लेकिन इसके ऊपर कर्ली ब्रैकेट लगा दिया तब तो ये सेट हो जाएगा। अब ये कह रहे सेट बिलोंग कर रहा है, अरे भैया सेट थोड़ी नहीं बिलोंग करता है, सेट तो सबसेट होता है, तो गलत बात हो गई भाई। ए होता तो ए बिलोंग करता, अभी ए इसका एलिमेंट था, अब इसके ऊपर भी ब्रैकेट लगाया तो ये तो भाई सेट बन जाएगा, तो सबसेट कर की बात करनी चाहिए, बिलोंग की बात नहीं करनी चाहिए। इट मीन्स ये आपका फॉल्स हो गया। ओके चलिए फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। अभी देखिए एक सेट दे रखा है ए कॉमा बी कॉमा बी, तो भाई यार इसमें तो एलिमेंट्स को रिपीट कर रहा है तो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई यार इसमें केवल ए और बी टू एलिमेंट्स हैं। अब तो इसके इस साइड भी ना ऐसे टू एलिमेंट्स ही लिखे हुए हैं, तो ये देखिए इन इसमें भी टू एलिमेंट, इसमें भी टू एलिमेंट और एलिमेंट सेम है तो ये इक्वल सेट हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल ये इक्वल सेट है, ट्रू बात लिखी हुई है, बिल्कुल सही बात है क्योंकि कार्डिनल नंबर भी सेम है, एलिमेंट भी सेम है। चलिए फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं। इसमें कह रहे हैं द सेट एक्स सच दैट, तो एक्स तो एलिमेंट हो गया, एक्स प्लस एट इक्वल टू एट इज द नल सेट, ये पता करना है। तो भाई जैसे इसको इस इक्वेशन को सॉल्व करें ना तो एक्स की वैल्यू जीरो आएगी, अभी जीरो तो एक एलिमेंट है तो इस सेट में तो भाई जीरो एज अ एलिमेंट हो गया, तो ये नल सेट नहीं, इसमें तो नंबर ऑफ एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट है तो ये तो सिंगलटन सेट है। ओके तो ये नल सेट नहीं, ये बात तो गलत लिखी हुई है। ओके चले सिक्स्थ पॉइंट की बात करते हैं। अभी देखिए इसमें लिख रखा है ए के ऊपर कर्ली ब्रैकेट बना दिया, कॉमा बी, अब इसके ऊपर भी कर्ली ब्रैकेट बना दिया, तो इस सेट का एक तो ये एलिमेंट हो गया, ये एलिमेंट है विद कर्ली ब्रैकेट, ओके ये एक एलिमेंट है। अच्छा दूसरा एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट क्या है, बी, तो ये तो बिलोंग करेंगे ठीक है, लेकिन इनके ऊपर जैसे ये एलिमेंट था इसके ऊपर भी ऐसे ब्रैकेट लग गया ना तो ये सबसेट की बात करनी चाहिए, जैसे बी बी एलिमेंट इसके ऊपर ऐसे लग गया तो सबसेट की बात करनी चाहिए। अब देखो इस पे क्या बात कर रहे हैं, ए पे ऐसे ए लिखा है तो ये तो एलिमेंट है नहीं है, ये तो एलिमेंट इसका है ही नहीं, ए तो इसमें है ही नहीं भाई, क्या ए है, नहीं ए पे कर्ली ब्रैकेट है वो एलिमेंट है, तो इन्होंने कहा ए बिलोंग कर रहा है इसमें, भैया कहाँ ए है इसमें है ही नहीं, ए के ऊपर कर्ली ब्रैकेट है वो एलिमेंट है, ए एलिमेंट नहीं है, इट मीन्स ये रॉन्ग है, ये तो फॉल्स हो गया स्टेटमेंट। ओके चलिए सेवेंथ पॉइंट की बात करते हैं हम लोग। अब देखिए इसमें क्या है, जैसे ये ए था इसके ऊपर कर्ली ब्रैकेट, फिर कॉमा बी इसके ऊपर भी कर्ली ब्रैकेट, तो इस सेट का ये एलिमेंट है ये भी एलिमेंट, तो इस सेवेंथ वाले में क्या बोला कि ए के ऊपर कर्ली ब्रैकेट लगा दिया तो ये तो इसमें एलिमेंट दिख रहा है, और सच में इन्होंने यहां क्या लिख दिया, बिलोंग नहीं लिखा सबसेट लिख दिया, ये तो एलिमेंट है भाई इसका, है ना, तो एलिमेंट भाई इस एलिमेंट के ऊपर भी ऐसे ब्रैकेट लग जाता तो हम सेट की बात करते, तो सबसेट की बात करते, तो ये तो गलत है भाई, है ना, तो ये फाल्स हो गया, है ना, ये फाल्स हो गया। चलिए एर्थ पॉइंट की बात करते हैं। अभी इसमें देखिए एक सेट दे रखा है उसका एक एलिमेंट ए है, दूसरा एलिमेंट है बी कॉमा सी पर ब्रैकेट, ये सेकेंड एलिमेंट ये इतना पूरा है, ओके अब इसके ऊपर कर ली ब्रैकेट, तो इसमें टू एलिमेंट्स हैं। अब इस साइड लिखा है कि बी सी के ऊपर कर्ली ब्रैकेट लगा दिया है, तो भाई ये तो इसमें ना ये एज अ एलिमेंट और इसमें सच में बिलोंग्स टू लिख दिया है तो ये सच है ट्रू है ना, क्योंकि भैया ये तो एलिमेंट ही है इसमें तो बिलोंग तो ही करेगा। चलिए नाइन्थ पॉइंट की बात करते हैं। अभी बोला गया कि जैसे फाई की बात करें
ठीक है, ये बोले कि फाई बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, तो भैया फाई इसके अंदर कहां दिख रहा है, दिख ही नहीं रहा है। फाई फाई ना जनरली इसका एक सबसेट होगा, फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाई इसके अंदर नहीं दिख रहा भैया, तो ये एलिमेंट नहीं है, तो ये बात तो गलत है। ठीक है, हाँ टेंथ बात करेक्ट है, क्योंकि फाई को बोला गया इस सबसेट ऑफ ए कॉमा बी ब्रैकेट, तो फाई तो यार सबसेट होता है एवरी सेट का, तो टेंथ वाला पॉइंट करेक्ट है। चलिए इस क्वेश्चन में भी हमें ट्रू फॉल्स देखना है। अब देखिए इसमें जो ए सेट दे रखा है, ए सेट में एक एलिमेंट वन है, सेकेंड है टू, थर्ड है करली ब्रैकेट थ्री फोर, ये थर्ड एलिमेंट है, और फोर्थ एलिमेंट है फाइव, तो ये एलिमेंट तो बिलोंग करेंगे, ये एलिमेंट बिलोंग कर जाएंगे ए में, और यदि इन एलिमेंट्स के ऊपर करली ब्रैकेट लग गया तब तो वो सेट बन जाएगा। ओके, जैसे मान लीजिए भाई ये वन एलिमेंट था, इसके ऊपर करली ब्रैकेट लग गया तो ये सेट बन जाएगा, तो ये सबसेट हो जाएगा ए का। ओके, जैसे ये आपका थ्री कॉमा फोर के ऊपर करली ब्रैकेट, ये तो एलिमेंट है लेकिन इसके ऊपर भी ऐसे करली ब्रैकेट लगा दिया तो ये भी सबसेट बन जाएगा, टू के ऊपर करली ब्रैकेट लगा दिया वो भी सबसेट बन जाएगा, फाइव के ऊपर करली ब्रैकेट लगा दिया तो वो भी सबसेट बन जाएगा। तो भाई इसमें फर्स्ट पॉइंट देखें हम लोग, फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट में बोल रहे हैं कि थ्री कॉमा फोर पर ऐसे करली ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, अब थ्री कॉमा फोर पर करली ब्रैकेट लगा दिया तो अभी इसका मतलब क्या है, ये तो इसका एलिमेंट है तो ये बिलोंग करना चाहिए, इन्होंने सबसेट लिख रखा है तो ये गलत बात है। ठीक है, हाँ सेकेंड सेकेंड करेक्ट है ना, क्योंकि थ्री कॉमा फोर बिलोंग कर रहा है। अब देखिए थर्ड वाले पे इसके ऊपर भी ना, ये थ्री कॉमा फोर ये एलिमेंट था, एलिमेंट के ऊपर भी करली ब्रैकेट लगा दिया थर्ड वाले में तो ये सबसेट हो जाएगा, तो ये करेक्ट है ना, ये करेक्ट बात है थर्ड वाली। चलिए फोर्थ वाले देखते हैं, फोर्थ वाले में क्या वन एलिमेंट है ए का, हाँ बिल्कुल वन एलिमेंट है ए का तो वन बिलोंग करेगा, तो फोर्थ भी आपका करेक्ट है। चलिए फिफ्थ, भाई वन तो एलिमेंट है ना तो वन सबसेट थोड़ी नहीं होगा ए का, है ना, वन ये बात गलत लिखी है, वन बिलोंग करना चाहिए ए में, इन्होंने सबसेट लिख रखा तो ये बात गलत है। चलिए सिक्स्थ वाले की बात करते हैं, सिक्स्थ वाले एग्जांपल की। अब देखिए इसमें लिखा वन टू फाइव के ऊपर करली ब्रैकेट, तो यार भैया वन तो एलिमेंट था इस ए का, टू भी था, लेकिन फाइव, हाँ फाइव भी एलिमेंट है इसका, ये तीनों एलिमेंट है और एलिमेंट्स के ऊपर यदि करली ब्रैकेट लगा दिए तब तो ये सबसेट हो जाएगा भैया ए का, तो क्या यही लिखा है, हाँ बिल्कुल यही लिखा हुआ है, और इसके आगे वाला तो गलत है ना, क्योंकि वन टू फाइव एलिमेंट्स थे और उनके ऊपर करली ब्रैकेट लगेगा तो सबसेट बनेगा, तो ये बिलोंग्स टू लिख दिया, ये गलत हो गया। सेवन्थ वाला तो गलत हो गया है ना, गलत हो गया, महा गलत हो गया। चलिए एट्थ की बात करें, फाई ना फाई इस ए में कहीं नहीं दिख रहा है, क्या फाई ए में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इन्होंने बिलोंग करके लिख दिया, ये तो गलत बात है। हाँ फाई सबसेट होता है, ये वाला तो गलत हो गया, फाई सबसेट होता है एवरी सेट का। अब इन्होंने टेंथ में दो क्या लिखा, फाई के ऊपर करली ब्रैकेट, तो भैया कर फाई एलिमेंट थोड़ी नहीं था ए का कि उसके ऊपर करली ब्रैकेट लगा के सबसेट बना दो, है ना, ये गलत बात है। फाई यदि ए में होता, फाई ए में होता उसके ऊपर करली ब्रैकेट लगा देते तो सबसेट की बात करते, फाई तो था ही नहीं, फाई तो अपने आप में एक नल सेट है ना, वो एलिमेंट थोड़ी नहीं उसका। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन की, टू फाइनाइट सेट्स, मतलब फाइनाइट सेट है हैविंग एम एंड एन एलिमेंट्स, एक सेट में एम एलिमेंट है तो दूसरे में एन है, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट, फर्स्ट सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट की बात करें तो वो 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेकेंड सेट, पहले वाले सेट के नंबर ऑफ सबसेट 56 ज्यादा है दूसरे वाले के सेट के नंबर ऑफ सबसेट के, देन फाइंड वैल्यू ऑफ एम एंड एन, एम और एन की वैल्यू बतानी है। तो भाई ए सेट में एम एलिमेंट है, बी सेट में एन है, तो बोला गया कि भाई ए सेट में 2 की पावर m सबसेट हो जाएंगे और b वाले में 2 की पावर n हो जाएंगे। ओके, तो यार भाई कम किस में है, b वाले में, तो उसमें हम लोग 56 ऐड कर दें तो वो a वाले के इक्वल हो जाएंगे। भाई a में तो ज़्यादा है ना, इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है, तो कितने कम है, इतने कम है, तो ऐड कर दिए तो ये इक्वेशन आपको मिल गई।
अब ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ना, इसमें यदि हम लोग कॉमन ले लें ना, 2 की पावर n कॉमन ले लें, तो यहाँ पर जब यहाँ पर देखेंगे 2 की पावर n चला जाएगा, तो 2 की पावर m माइनस n बचेगा, और यहाँ से 2 की पावर n चला जाएगा तो 1 बचेगा, इधर तो 56 ही रहेगा। ओके, अब भाई बात करें तो ये तो ऐसा कुछ दिखने लगा, 2 की पावर n 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 इक्वल टू 56 को भी ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 2 की पावर 3 माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं। अभी बोथ साइड कंपेयर कर दें तो n की वैल्यू दिख रही है, n की वैल्यू कितनी दिख रही है, 3 दिख रही है, तो n की वैल्यू 3 आ गई, और m माइनस n की वैल्यू भी कितनी दिख रही है, 3 दिख रही है, तो n की जगह 3 पुट करोगे तो n की जगह 3 पुट करोगे ना तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। चलिए हम लोग बात करते हैं पावर सेट की। ओके, तो पावर सेट में क्या होता है कि कोई जैसे एक कोई सेट है ना, उसके सारे सबसेट को इकट्ठा कर लो और उसके ऊपर भी कर्ली ब्रैकेट लगा दो, तो वो एक पावर सेट कहलाता है। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, ये दिख रहा है ए सेट, दिख रहा है ए सेट, हमने लिख लिया 1 2 1 2 लिख लिया। अब भाई इसका फर्स्ट सबसेट क्या होगा, 5, सेकेंड क्या होगा, 1, थर्ड क्या होगा, 2, और एक तो इटसेल्फ सबसेट होगा 1, 2। अब इसको भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दो ना, तो ये पावर सेट ऑफ ए हो जाएगा, ए का पावर सेट कहलाएगा। ओके, तो वही चीज यहां लिखी है, देखो ए में एलिमेंट है 1 2, तो पावर सेट ऑफ ए को पी ए से कुछ ऐसे, पी ए से पावर सेट ऑफ ए ऐसे कुछ रिप्रेजेंट किया, उसके अंदर देखो क्या लिखा, 5 लिखा है, 1 लिखा है, 2 लिखा है, और इटसेल्फ लिखा, उसका भी सेट लिखा है, तो ये पावर सेट हो गया। चले अब जैसे यहां पर हम लोग देखें, इसकी डेफिनेशन भी लिख रही है, द सेट, ये डेफिनेशन है आपकी है ना, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट, मतलब जितने भी कोई भी जो गिवन सेट है ना उसके जितने भी सबसेट उनकी बात की गई, इस सेट टू बी पावर सेट ऑफ ए, मतलब जितने भी सबसेट हैं उनका भी सेट बना दो तो वो पावर सेट कहलाएगा, इतनी बात हो गई। और पावर सेट को पी ऑफ ए से या 2 की पावर a से डिनोट करते हैं, और ऐसे पी ए क्या हो गया, x एलिमेंट है, तो x जनरली है क्या, सबसेट है किसके, a के। ये तो एग्जांपल हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब कहते हैं phi एंड a आर बोथ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ a, भाई नल सेट तो हमेशा सबसेट होता ही है, और a अपने आप में ही a का सबसेट होता है, तो वो तो एलिमेंट होंगे ही पावर सेट के, क्योंकि पावर सेट खुद में एक सेट होता है किसका, सबसेट्स का। तो जैसे a हमारा नल सेट है, तो यहां पर लिखा भी नल सेट, तो पावर सेट ऑफ a, ठीक है, तो इसका phi के ऊपर बस ब्रैकेट लगा दो, क्योंकि phi का हम बोले कि यार इसके हमें ना सबसेट बताओ, तो इसका सबसेट तो यही होगा इटसेल्फ एक, लेकिन यहाँ पे बच्चा थोड़ा सा गलत लिखा है। जैसे बात करें ना कि फाई के कितने सबसेट होंगे, तो एक तो फाई ही होगा, है ना, हाँ बस इटसेल्फ सही लिखा है, फाई इटसेल्फ अपने आप में एक सबसेट है, और इसके ऊपर ऐसे ना कर्ली ब्रैकेट लगा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, पावर सेट हो जाएगा। तो ये बात सही लिखी है, तो ये फाई का ना नल सेट का जो पावर सेट है ना वो एक सिंगलटन सेट है। अब बात करें कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं पावर सेट में, पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, तो भाई दो पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट दैट इज 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, 2 की पावर कर देंगे, और जितने ए में एलिमेंट होंगे उतने नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे पावर सेट में। अच्छा फाई का तो पावर सेट अभी थोड़ी देर पहले लिखा था। ओके, अब फाई के पावर सेट का भी पावर सेट लिखना है, तो यार फाई के पावर सेट का भी पावर सेट लिखना है, तो भाई जैसे ये फाई है, ये एक सेट हो गया, तो इसका कितने इसके सबसेट बन सकते हैं, बन सकते हैं, तो एक तो फाई हो गया और एक इटसेल्फ हो गया, इनका भी सेट बना देना तो ये पावर सेट कहलाएगा, तो ये लिखा हुआ है। अब जैसे बात करें कि पावर सेट ऑफ
पावर सेट ऑफ फाई, तो ये तो भाई हमें मिल गया ना, ये क्या था फाई और फाई के ऊपर कर्ली ब्रैकेट। अभी इसमें देखो इस सेट में कितने एलिमेंट्स, टू एलिमेंट्स हैं, तो इसके कितने सबसेट बनेंगे भाई, टू की पावर टू फोर बन जाएंगे, एक तो नल सेट। अभी ये फर्स्ट जो एलिमेंट दिख रहा है ना इसके ऊपर हम लोग ब्रैकेट लगा देते हैं ऐसे कर्ली ब्रैकेट। अभी सेकंड दिख रहा है ना, ये सेकंड, ये एलिमेंट दिख रहा है, ये सेकंड एलिमेंट है ना, इसके ऊपर भी ब्रैकेट लगा देते हैं। और एक तो इटसेल्फ, इटसेल्फ का मतलब ये इटसेल्फ, तो ये सारे के सारे सबसेट्स हैं, और इनका भी ना इनका भी सेट बना दो वो पावर सेट कहलाएगा इसका, क्लियर है। चलिए अभी बात करते हैं हम लोग सुपर सेट की, तो सुपर सेट भी सबसेट के ही कॉन्सेप्ट से आया। जैसे एक ये ए सेट है, ए वन टू है, और बी आपका वन टू थ्री है। अब भाई बहुत ध्यान से देखो, क्या ए सबसेट है बी का? बिल्कुल हाँ है। तो ये जो बी है ना, ये सुपर सेट है, ये सुपर सेट है, सुपर सेट है, और ये ना ये सबसेट है। ये क्या है? ए सबसेट है और बी सुपर सेट, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट में बी में प्रेजेंट है, और कहते हैं बी में ए से कुछ थोड़े ज्यादा ही एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए, ये नहीं कि इक्वल हो, क्लियर है, ये याद रखना। या इक्वल वाला, यहां पर इक्वल वाला केस नहीं आना चाहिए। चलिए अभी जैसे सुपर सेट की बात कर रहे थे, तो जैसे ये ए सेट हो गया वन टू, तो इसके सबसेट हम लिख लेते हैं, बी सबसेट है, सी भी सबसेट है, डी भी सबसेट है, और ई भी सबसेट है, क्योंकि बी में फाइव है, फाइव तो ए का सबसेट हो गई, सी में वन है, वन भी ए का सबसेट है, डी में टू है, टू भी सब भाई डी वाला भी ए का सबसेट होगा क्योंकि टू ए में बिलोंग कर रहा है ना, और ई भी सबसेट है क्योंकि इटसेल्फ तो कहलाएगा कहलाएगा। तो भाई ए देखो बी का सुपर सेट है, ओके, ए सी का भी सुपर सेट है, ए डी का भी सुपर सेट है, लेकिन ए ई का सुपर सेट नहीं है। हाँ, इक्वल वाला भी यहां पर एक पॉइंट लिख रखा है, अ सेट इज इटसेल्फ सुपर सेट, वो सेट ना अपने आप में सुपर सेट कहला सकता है, ओके। इक्वल वाला यहां पर ये करेक्शन कर लेना, इक्वल वाला भी सुपर सेट कहलाता है, ओके। तो ये बात तो क्लियर हो गई होगी, तो यहां पर एक पॉइंट और देख लेते हैं, अ सेट इज सुपर सेट ऑफ बी, ए ना ए बी का सुपर सेट है, सी का भी है, डी का भी है, ई का, और ई की जगह जनरली ई इक्वल टू ए है, इक्वल में भी वो सुपर सेट कहलाएगा। और बात करें नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सुपर सेट, वो जो सुपर सेट है ना उसके कितने सबसेट होंगे, टू की पावर एन। अरे भाई ये तो बिल्कुल वैसे ही सेट के जैसा है ना, सेट के कितने सबसेट होते हैं, टू की पावर एन, तो सुपर सेट भी तो एक सेट ही तो है, तो उसके कितने सबसेट होंगे, टू की पावर एन ही होंगे। चलिए अभी हम लोग प्रॉपर सबसेट की बात करते हैं, अब बहुत ध्यान से देखना। जैसे मान लीजिए ये ए सेट लिया हमने वन टू, तो क्या इसके सबसेट लिख सकते हैं? हाँ, फर्स्ट वाला फाइव, ये सबसेट हो गया वन, टू पे कर्ली ब्रैकेट, ये भी सबसेट हो गया, और इटसेल्फ भी आपका कहलाएगा। अब भाई बहुत ध्यान से देखना, अब हम बात करें ना, तो ये प्रॉपर सबसेट है, ये भी प्रॉपर सबसेट है, ये भी प्रॉपर सबसेट है, और ये प्रॉपर सबसेट नहीं है, इसको हम लोग इम्प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर। ये इम्प्रॉपर सबसेट है। इम्प्रॉपर क्यों? देखो ये इक्वल है ना, ये ए के इक्वल है, इक्वल वाला इम्प्रॉपर कहलाएगा, और यदि उससे कम एलिमेंट्स है ना तो वो प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। तो ये थ्री आपके प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे। देखिए यहाँ डेफिनेशन भी लिखिए, ए इज सेट टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज अ एलिमेंट ऑफ बी एंड बी हैज एट लीस्ट वन एलिमेंट विच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। मतलब बी में एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो ए में एलिमेंट ना हो। जैसे ए प्रॉपर सबसेट बी, इसमें इक्वल नहीं लगता, ए प्रॉपर सबसेट बी कुछ इस तरीके से लिखते हैं, इसमें इक्वल नहीं लगता है, इक्वल लग गया तो वो इम्प्रॉपर हो जाएगा। तो प्रॉपर सबसेट के केस में इक्वल नहीं लगता है। अब जैसे ये ए लिया है, ये बी लिया है, तो ए सबसेट है बी, इक्वल नहीं लगा है, यदि इक्वल लग जाता तो इम्प्रॉपर होता है, ओके। तो ये जनरली यहाँ पर ए वाला इम्प्रॉपर, सॉरी ए वाला प्रॉपर हो गया बी का, बी का प्रॉपर सबसेट हो गया ए। क्यों प्रॉपर हो गया? क्योंकि बी में कुछ एलिमेंट ज्यादा ही है, थ्री भी है और फाइव भी है। जैसे इसी चीज को देखने के लिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये ए सेट दिख रहा है वन टू है, तो इसका एक सबसेट फाइव है, एक वन है, एक टू है, एक इटसेल्फ है, ये हम लोग पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये प्रॉपर सबसेट है फाइव।
वन भी प्रॉपर सबसेट है, ये भी प्रॉपर सबसेट है, लेकिन ये इक्वल है इसलिए ये प्रॉपर सबसेट नहीं, ये इम्प्रॉपर सबसेट है। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट की बात करें तो एक बस केवल कम हो जाता है, जितने सबसेट होते हैं ना, जैसे ये फोर सबसेट थे इसमें से थ्री तो प्रॉपर है, एक इम्प्रॉपर हो गया, तो टोटल सबसेट से टू की पावर एन से वन भगा दिया। चलिए जैसे बात करें कि ये भाई एक नेचुरल नंबर का सेट है, तो जितने नेचुरल नंबर है ना होल नंबर के अंदर हैं, तो ये नेचुरल नंबर सबसेट हो गया ना होल नंबर का, जितने होल नंबर है ना वो सब इंटीजर्स के अंदर हैं, जितने इंटीजर हैं सबके सब रेशनल नंबर के अंदर हैं, जितने रेशनल है ना सबके सब रियल नंबर के अंदर हैं, ओके, और जितने रियल नंबर है ना सबके सर कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हैं, ओके। तो एक तरीके से ना कि नेचुरल नंबर ना सबसेट हो गया होल नंबर का, होल नंबर सबसेट हो गया इंटीजर का, इंटीजर सबसेट हो गया रेशनल नंबर का, रेशनल नंबर सबसेट हो गया रियल नंबर का, रियल नंबर सबसेट हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो बादशाह कौन निकला, सुपरसेट कौन सा निकला, कॉम्प्लेक्स नंबर सुपरसेट है सारे नंबर्स का। ऐसे हम लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं इस वाले केस में, जितने इरेशनल क्यू डैश को हमने इरेशनल दिखाया था, जितने भी इरेशनल है सबसेट है रियल नंबर के, और रियल नंबर सबसेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। सिमिलरली इमेजिनरी नंबर भी सबसेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो जनरली नंबर्स का जो ना सुपरसेट होता है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जिसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं, कभी कभी जेड से भी रिप्रेजेंट करेंगे, ओके क्लियर है। तो यहां पर दिख भी रहा कि कौन किसका सबसेट है, यह भी दिख गया। चलिए अभी हम लोग कंपेरेबल सेट की बात करते हैं। तो कहते हैं टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी कंपेरेबल इफ ए सबसेट हो बी का, या बी सबसेट हो ए का, या ए इक्वल टू बी। थ्री कंडीशंस होती हैं, ए सबसेट हो बी का, या तो बी सबसेट हो ए का, या तो ए और बी इक्वल हो, तभी वो कंपेरेबल होंगे। यदि ये कंडीशंस नहीं है ना उसमें, तो वो कंपेरेबल नहीं है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ए 1 to 4 है, बी 1 to 4 है, तो यहां पर ना बी सबसेट है ए का, इट मींस ये बी सबसेट है ए का, तो ए बी कंपेरेबल है। जैसे यहां देखें, ए में कौन है 1 to 3, बी में कौन है 1 to 4 6, क्या ए सबसेट है बी का, नहीं, क्या बी सबसेट है ए का, नहीं, क्या ये इक्वल है, नहीं, तो इनमें तीनों में से कोई कंडीशन नहीं थी, इसलिए ये सेट आपके ए बी इनकंपेरेबल कहलाएंगे। चलिए अभी बात करते हैं हम लोग यूनिवर्सल सेट की। कहते हैं कोई एक गिवन कंटेस्ट होता है, उसमें यूनिवर्सल सेट की बात करते हैं। ऐसे सेट वो मतलब एक ऐसा सेट जिसमें सारे सेट ना उसके सबसेट हों, यूनिवर्सल एक बादशाह होता है सेटों का, ठीक है। जैसे यहाँ पर डेफिनेशन लिखी, अ सेट दैट कंटेन्स ऑल सेट्स, एक ऐसा सेट जिसमें सारे सेट हों इन अ गिवन कंटेस्ट, भाई किसी एक पर्टिकुलर कंटेस्ट में ही हम लोग ये चीज देखेंगे, इस कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, एस से, इस तरीके से कुछ ओम के जैसा होता है, ये कुछ सिंबल्स हैं, ओके। जैसे यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट, ये सारे जितने भी लेटर ए बी सी से लेकर के जेड तक, ओके, तो ये एक यूनिवर्सल सेट इसको हम बोल सकते हैं, कि आप कोई भी एक बना लो ना सबसेट जो इंग्लिश अल्फाबेट का हो, उसके सबके लिए ये यूनिवर्सल सेट होगा। जैसे एक और एग्जांपल लें, व्हेन वी स्टडी टू डायमेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये टू डायमेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टडी करेंगे ना, देन द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन एक्स वाई प्लेन इज द यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो वो जो एक्स वाई प्लेन होगा ना, तो उसको हम लोग यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं, क्योंकि उस एक्स वाई प्लेन पे भाई कहीं भी आप दो पॉइंट ले लो, है ना, वो तो भाई उसका वो ना सारे पॉइंट भाई एक्स वाई प्लेन पे ही तो होंगे, तो प्लेन पे तो सब कुछ आ जाएगा, सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, तो ये एक्स वाई प्लेन एक तरीके से क्या ना यूनिवर्सल सेट हो गया, ओके। चलिए एक एग्जांपल से ये ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे ये ए है, ए में कौन है 1 2 3, बी में कौन है 2 4 5 6, सी में कौन है 1 3 5 7, तो इनके लिए यूनिवर्सल सेट लिखना। तो यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट लिख दो जिसमें ए बी सी के सारे एलिमेंट हो। तो देखो ये लिख दिया, अब इसकी जगह आप और भी कुछ लिख सकते थे, इसकी जगह जरूरी नहीं कि हमने 1 2 3 4 5 6 7 लिख दिया, आप 10 तक लिख देते, आप 1000 तक लिख देते, तो हमारे हिसाब से हमने इतना लिख दिया, इतना इनफ है, ओके। आप कुछ भी लिख सकते हैं, यूनिवर्सल सेट मतलब एक ऐसा सेट लिख दो जिसमें ए बी सी के सारे एलिमेंट बस प्रेजेंट हों, वो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। चलिए एक और देखते हैं, व्हाट इज यूनिवर्सल सेट, ठीक है, यूनिवर्सल सेट क्या होगा इन एग्जांपल्स में, ओके। जैसे लिखा सेट ऑफ राइट एंगल्स, राइट ट्रायंगल्स के लिए, तो हम बोल देंगे ना जितने ट्रायंगल है ना उनका सबका सेट, तो बोल दिया सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन प्लेन, तो
तो ये तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया। जैसे ये ए सेट ले लिया, ई ए आई ओ यू, एक सी एफ टी एक्स ले लिया, तो इनके सबके लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा? सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स होना चाहिए, लैंग्वेज नहीं होना चाहिए, इंग्लिश अल्फाबेट होना चाहिए यहाँ पर, इंग्लिश अल्फाबेट, ओके, इंग्लिश अल्फाबेट्स, ओके। तो अभी हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया, अभी कंप्लीट किया कि जितने भी टाइप्स होते हैं ना सेट के, वो कंप्लीट कर लिए। हालांकि अभी हम लोग डिस्कस करेंगे यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट सेट, है ना, तो वो एक तरीके से ऑपरेशंस हैं, उनको हम लोग आगे भी नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके।